जनाब सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब, जनाब खालिद भट्ट साहब, कायदीन जमात इस्लामी और मेरे बहुत ही मोहतरम प्यारे बुजुर्ग भाइयों और दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं आप सब की तरफ से जनाब सैयद एहसानुल्लाह वकास का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सुबह के नाश्ते के नाम से ये मेला सजाया है और बताया कि वो 20 सालों से इस तरह कर रहा है। बड़ी हिम्मत है। धुन के माहौल में, ठंड के माहौल में, कोरोना वायरस और डेंगू वायरस और ओमिक्रॉन के खौफ के माहौल में शाह साहब ने आप सबको यहाँ जमा किया है ताकि कुछ लम्हे हमें अच्छे भी मिले और कुछ ऐसे बातें भी आपस में हों कि गम और दर्द और तकलीफ के बजाय कोई फरहत और सुरूर और सुकून भी नसीब हो। जनाब लियाकत बलोच साहब ने बहुत इख्तिसार और जामियत के साथ बात की है। मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान हम सब का है, ये हमारा घर है। अगर ये घर खूबसूरत हो, इस घर में खुशहाली हो, यहां अमन हो, तो हम सब खुशहाल रहेंगे। लेकिन अगर इस घर में आग लगी हो तो आप जिस कमरे में हैं और जहां बैठे हैं आपकी तपश और शोले आप तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए एक सच्चे और करे पाकिस्तानी की हैसियत से आओ मिलकर अपनी मुल्क में इस वक्त जो आग लगी है बदअखलाकी की सूरत में, करप्शन की सूरत में, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, बदअमनी की सूरत में, आपस में छोटे छोटे बातों पर झगड़ों और लड़ाइयों की सूरत में, तासुबात की सूरत में इस आग को बुझाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये कौन करेगा? रोने से मसाइल तो हल नहीं होते। हमें उठना पड़ेगा और अब एहसास करना पड़ेगा। हमें अब तमाशाई बनने के बजाय एक कदम उठाकर इस मुल्क को इस्लामी और खुशहाल बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक नजरियाती मुल्क है, एक कलमे की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमें दिया है। मदीने मुनव्वरा के बाद कायनात में अगर कोई पाक सरजमीन है तो पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते हुए लोगों ने आपके खातिर इस मुल्क पर अपना सब कुछ निचावर किया, लेकिन 74 साल गुजर गए, आज भी हमें वो सुबह और वो शाम, वो दिन नसीब नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान को एक हकीकी इस्लामी पाकिस्तान की सूरत में देखे। आज हमारी अदालतों में कमरा मौजूद है अदालत के नाम पर, एक जज भी मौजूद है, लेकिन इन अदालतों में आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है। खुद इन अदालतों के जजेस कहते हैं कि इंसाफ नहीं है, और जब रिटायर हो जाए तो फिर सच कहते हैं कि हमारे अदालती निजाम में इंसाफ नहीं मिलता है, इंसाफ बिकता है। अदालतों में भी गरीब के लिए कुछ और वीआईपीस के लिए कुछ और। हमने ये दिन भी देखा कि मदीना की इस्लामी रियासत की बात करने वाला वजीर आजम अपने घर में बैठकर अदालत ने उसको तलब किया, लेकिन वहां जाने की बजाय वीडियो लिंक के जरिए खिताब करता है।
अगर ये एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान आप बनाने की बात करते थे तो क्या इस पाकिस्तान में ये सहूलत सबको मुयस्सर है कि अपनी दुकान अपने दफ्तर अपने घर में बैठकर अपने गाड़ी में बैठकर वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में हाजिरी दे, अदालतों में बयान दे, गवाही दे। मेरे दोस्तों, मदीना की इस्लामी रियासत हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने देखा कि उनके जरा चुरी हो गई है और एक यहूदी के हाथों में उसने देखा। अदालत आलिया में जाकर उसने अपना रिपोर्ट दर्ज किया। अदालत ने दोनों को बुलाया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी और यहूदी को भी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब अपना बयान पेश किया कि ये मेरा है और इस यहूदी ने चोरी की है, तो काजी ने उनसे पूछा कि आपके साथ कोई गवाह भी है। उसने गवाह के तौर पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को पेश किया, तो काजी ने कहा कि बाप के बारे में बेटे की गवाही कबूल नहीं है और ये यहूदी का माल है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला तस्लीम किया और जब यहूदी अदालत से बाहर निकले तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर ऐलान किया कि मैं उस अल्लाह पर ईमान लाने का ऐलान करता हूँ और उस नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का ऐलान करता हूँ जिन्होंने ये दीन हक दिया है जिसमें इंसाफ है, जिसमें वक्त का खलीफा और गैर मुस्लिम एक गैर मुस्लिम एक ही सब में खड़े हैं। लेकिन आज हमारे अदालतों में इंसाफ नहीं है और ये आज की बात नहीं है। जिस हुकूमत ने भी यहां जिनको भी हुकूमत का मौका मिला है हर एक ने इसी निजाम को उसी तरह बरकरार रखा है। मैं इसलिए आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह रब करीम ने सूरह अलमायदा कुरान करीम में एक नहीं तीन बार फरमाया है कि जो मेरे नाजिल करदा किताब पर फैसले नहीं करते वो काफिर है। وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ तो अल्लाह का ये हुक्म किसके लिए है? अल्लाह रब करीम ने फरमाया फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम। ए पैगंबर, तुम्हारे रब की कसम, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपको अपने फैसलों में हाकिम और काजी तस्लीम ना करे। क्या आप कुरान हकीम हैं या वही किताब है जिससे निजात के लिए लोगों ने पाकिस्तान बनाया था? अंग्रेज के इस निजाम से बगावत करके हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। मेरे दोस्तों, एक इस्लामी पाकिस्तान की निशानी यही होगी कि आपकी चीफ जस्टिस के हाथ में कुरान हो, कुरान का निजाम आएगा आपको हक मिलेगा, कुरान का निजाम आएगा यतीमों बेवाओं की परवरिश होगी, कुरान का निजाम आएगा काला और गोरा गरीब और अमीर एक सब पे नजर आएगा। इस इस्तेमारी और साम्राज्य निजाम में अगर तुम्हारा बाप भी वजीर आजम बन जाए आपको इंसाफ नहीं दे सकता है। मेरे दोस्तों, इसलिए जमात इस्लामी इस मुल्क में कुरान का निजाम चाहता है। कुरान में अमन है, कुरान में इंसाफ है, कुरान में आदल है और कुरान फैसलों के लिए है, सिर्फ तिलावत के लिए अलमारियों में रखने के लिए नहीं है। हम इस मुल्क में कुरान का निजाम चाहते हैं। अल्लाह ने हमें हुकूमत दी तो मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया, हम अदालती निजाम को बदलेंगे
और अदालती निजाम को कुरान की नूर से मुनव्वर करेंगे। हमें बहुत ज्यादा अदालतों की जरूरत भी नहीं है, हर मस्जिद में अदालत लगेगी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अमीर जमाते सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।